हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो इधर मैंने कहा बारी बेडशीट लगा धो दी हैं और मैंने वॉशिंग मशीन लगाती थी, तो मैं चलो भाई बेडशीट वगैरह बदल दी हूँ, नहा के आ गई हूँ। इधर आधे कपड़े मेरे निकल भी गए हैं और थोड़े से कपड़े रह गए हैं, उसमें धुल रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि फिर मन सा नहीं होता है। झाड़ू पोछा हो गया है, कपड़े मशीन में लगे हैं, सिर्फ लास्ट करके हैं छोटे, मतलब वैसे बेकार के कपड़े रहते हैं। और इधर देखिए सोफे के भी कपड़े हटा दिए हैं। तो बताना आपको सोफा कैसा लग रहा है? सिंपल सा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे तो बाहर कवर तो मजबूत में जाना पड़ता है बच्चों की वजह से, वैसे तो मन नहीं करता है। अब अंदर वो भी सेट कर दिया है, फिर बेडशीट बदली थी वो भी जल्दी, बाहर की बेडशीट हटा दी है। तो अभी बच्चे उठेंगे, जब भी वो करूँगी, बच्चे भी दोनों सो रहे हैं, तो मैं चलो जब तक मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ। बड़ा ये होता है 5:30 बजे की उठी हूँ, हाँ 5:15, 5:30 बजे। तो अब लग रहा है जल्दी से चाय वगैरह पी लूँ, थोड़ा सही सा हो जाए। और आपको पता ही है प्रॉब्लम, तो वो पी लो प्लीज़। हाँ, एक बात और कहूँगी यार, सब प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़रूर सुनिएगा कि ना वीडियो अगर आप देखते हो ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानूंगी। अगर आप आके नाम करने आए तो प्लीज़ मत आए देखिए मेरी वीडियो, ओपन ही मत करिएगा। और अगर आप हाँ 2-3 मिनट आप आधी है ना, मेरी 6 मिनट की है या 3 मिनट की है, आधी वॉच करोगे तब भी मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि भैया आपके सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं है ना। नाम करने के लिए तो ना मैंने चैनल खोला ना आपने, तो चलिए मैं मिलूँगी थोड़ी देर में चाय पीने के बाद। बातें बहुत होगी, जो समझदार इंसान हो समझ जाएगा। चलिए तो चलिए फ्रेंड, मैं चाय ले आई हूँ। और आज सब्जी बनाई थी मैंने, सुबह आलू अकोरे हुए और चाय, तो चाय नहीं मैंने चाय अभी बनाई है मैंने, तो मैं चलो अभी नाश्ता कर लेती हूँ। चलो आप भी कर लीजिए, दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो चलिए चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, बहुत सारी बातें करती हैं। चलिए, क्योंकि अभी गिलास ही गिलास आप सोच रहे हैं, माइंड मत करिएगा, ये चाय का दूध का गिलास था, मैं उसी में चाय डाल रखी सर। मैं तो नहीं, सब लेडीज़ ऐसे ही करती होंगी, चाय के संग जब गिलास में दूध बचा तो वही चाय दूध में डाल लिया और ये उसमें चाय वगैरह लिया है। तो चलिए थोड़ी देर मिलती हूँ मैं आपसे। सॉरी फ्रेंड, इधर मैंने फिर इवनिंग से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, दिन में नहीं बनाई थी। उधर मैं कपड़े वगैरह तय करती, झाड़ू वगैरह मैंने मार ली थी और मैं फिर ऊपर से सारे कपड़े वगैरह ला के तय करती थी। और फिर मैं इधर आ गई हूँ सोफे पे बिछाने के लिए, मैं चलो भी हटा देती हूँ, अच्छी लगता है कपड़े अगर ऐसे ऐसे पड़े हों तो बहुत बुरा सा लगता है। तो मैंने चलो भी सोफा भी ज़्यादा अच्छा सा हो जाता है, थोड़ा बच्चे हैं तो गंदा भी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं चलो भाई ये भी चेंज कर देती हूँ। और इन पर जो मैंने ये कवर मैं आपको बताऊँगी, मैंने अभी साड़ी के ही बनाए थे, क्योंकि बेकार में इतना पैसा मैंने अभी खर्च नहीं करी, अभी तक के रखे थे एक और जो वो छोटे हो रहे हैं थोड़े से, तो मैं कोई बात नहीं मैं दिवाली की तरफ लाऊंगी। तो इधर मैं कुकर रख दी दाल और दूध गर्म हो गया, तो मैं चलो भाई इधर आ गई हूँ। मैं किचन में प्याज काट रही हूँ, मैं चलो प्याज वगैरह काट लेती हूँ दाल के लिए, और टमाटर वगैरह मैं सारा कट कर दिया है। और इसके बाद मैं चलो भाई सोचा चलो भाई पेड़ों में इसका पानी दे दें, तो सब थोड़े सूख जाते हैं पानी सा, तो मैं चलो पेड़ों में दे देती हूँ। अब गर्मियों के मारे सारे पेड़ थोड़े मुरझा से गए हैं, सूखते गए हैं, ये मैंने सारे पेड़ घर में ही लगाए हैं और मेरे हो गए थे। अभी थोड़ा फिलहाल इनका हालत थोड़ी बेकार सी हो रही है, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे ये पेड़ ही। इधर मैं आ गई हूँ किचन में, मैं चलो अभी दूध रख दिया है मैंने साइड में, तो दाल मेरी देखिए बॉईल हो गई है, आलू मैंने इसमें डाल दिए थे बॉईल हो गए थे, तो मैं चलो अभी राइस बना रही हूँ। बच्चों को ये वाले राइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं चलो भी अभी रसाम में हमने थोड़ी कचौड़ी सी खाई थी हमने, इसलिए मन नहीं कर रहा था, दाल चावल बनाए थे मैंने, तो जीरा वगैरह डाल के और सोयाबीन कोर दी थी मैंने अच्छे से, और काफ़ी अच्छे से कर दी थी। ये चावल भी मैंने तेल छोड़ा जब तक इन्हें पकाया था इसमें खुले में, और फिर पानी डाल के इसे ढक के रख दिया था। और थोड़ा मैं खोल के इसे साइड में से इसलिए रखूँगी कि इसमें से पानी ना निकले, अगर बंद रखूँगी तो पानी निकलेगा बाहर। सिर्फ थोड़ी देर रखना है मुझे 5 मिनट, और उसके बाद देखिए मेरी दाल का मसाला भी तैयार हो गया है। इसी में मैंने थोड़ी कचौड़ी बना ली थी, मैंने थोड़ी सी बनाई थी आलू रखे थे उसी की, और फिर दाल मैंने छोड़ दी। देखिए दाल का कलर इतना अच्छा है, सिंपल से कई चीज़ होती है, सिंपल खाना बड़ा अच्छा था गर्मी के इस टाइम में, तो सबको खाना दाल चावल वगैरह सबको अच्छा लगता होगा। तो मैंने चलो भाई दाल चावल ही बना लेते हैं, दाल चावल वगैरह मैंने बना लिए हैं। और इधर बना रही हूँ मैं, दो सारे बर्तन वगैरह मैंने साइड में कर लिए हैं, और मैं चलो बर्तन वगैरह मैं धो देती हूँ चावल मैंने जब तक हो ही रहे हैं। तो देखिए इधर मैं चलो बर्तन वगैरह मांज देती हूँ, सारे मैंने पानी से एक बार खगा लिए थे, उसके बाद मैं अपने सारे बर्तन मांज लूँगी, क्योंकि बर्तन मांज कर ये लगता है किचन में घुसे तो सारे काम जितने काम निपटा लो उतना अच्छा है, कि गर्मी ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम। मैं बस ये सोचती हूँ जल्दी जल्दी मेरा काम निपटे, मैं थोड़ा अपना ब्लॉग एक तो ब्लॉगिंग भी करना, एडिटिंग भी करना और वॉच भी करना, तो यार सच्ची में बहुत कुछ होता है यार, ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है ये समझ आ गया मुझे। तो मैं चलो भाई, और डेली ब्लॉग डालना आपको पता ही है। तो इधर देखिए मेरे चावल बन के तैयार हैं, और देखिए बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं निकला और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है ऊपर से, तो देखा देखिए कितने अच्छे बने हैं, तो बताइएगा आपको कैसे लगे। और ये चावल कौन कौन बनाता है इस टाइप से, तो मुझे ज़रूर शेयर करना।
तो प्लीज़ आज का वीडियो पूरा ही देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा मुझे। तो चलिए फ्रेंड आपको दिखा दिया मैंने कुकिंग में क्या करा, दाल चावल बने थे और कुछ ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा नहीं बनाया था। तो आज आपको टाइटल देख के लग रहा होगा कि किसके लिए बोल रही हूँ, तो प्लीज़ जरूर देखा होगा आपने। तो मैं ये बस ये कह रही थी सच में मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि यार इतने बड़े यूट्यूबर को भी ऐसा हो सकता है कि उनके आई है। तो अब यकीन नहीं मानेंगे मैं उनका वीडियो रोज़ ही देखती हूँ, मेरा शायद एक भी दिन नहीं जाता होगा, कमेंट भी करती हूँ और फिर कई बार वो रिप्लाई नहीं कर पाती। मैं मानती हूँ कि नहीं कर पाती क्योंकि अब भी अब उन्होंने एक तो अपना जो उन्होंने फूड का वो बिजनेस करा है कपड़ों का, तो वो भी उनका भी चलता है, उन्हें उसे भी देखना है और मतलब बहुत चीज़ें हैं जो मतलब शायद इतने सारे कमेंट आते हैं तो उनका रिप्लाई नहीं करना होता। होता है कि शायद भाई नहीं कर सकते इस चीज़ का, एकदम से इतने सारे आते हैं, हम लोग भी हम पे बहुत कम आते हैं, जब भी हम उनको कमेंट देने में 10 बार सोचते हैं। तो अब प्लीज़ माइंड मत करिएगा, बच्चे थोड़े हैं तो थोड़ा सोच मस्त ही है। तो पता है यकीन मानेंगे कि मतलब वो इतनी मेहनत कर रहा है, एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और हम जाके उन्हें उल्टा सीधा बोलें तो शायद बहुत गलत होगा। और यकीन मानेंगे उनको ब्लॉग मैं लगभग काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, जब एक साल हो गया होगा, 1-1.5 साल के आसपास मुझे हो गया होगा, एक साल तो आसपास हो गया है मुझे, अब ऐसे एडजस्ट याद नहीं है कि हाँ मुझे इस डेट से मैंने देखा है, ऐसे एक साल के आसपास मुझे हो गया। दिवाली थी उसके बाद, हाँ 1 साल हो गया दिवाली पे देखा था मैंने उनका। तो मैं मतलब ये सोचती हाँ कि यार इतना अच्छे यूट्यूबर थे, इनको तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता यार, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब बहुत चीज़ सोचती थी मैं। लेकिन कल मैंने उनको आज जो मैंने कल जाएगा वीडियो कल, तो आज का मैंने इनका वीडियो देखा दिन में, तो उसमें लिखा हुआ था कि यार कल की वीडियो में भी मैंने इनके एक दो कमेंट ऐसे पढ़े थे, मुझे बहुत अजीब लगा था कि ऐसे कमेंट पता नहीं क्यों लोग करते हैं यार, नहीं देखना मत देखो। और फिर वो लोग ऐसे होते हैं शायद वो कभी भी वीडियो पे नहीं आते, सिर्फ वो डिसलाइक देने आते हैं और गलत कमेंट करने आते हैं, तो उनको कमेंट में गाली दी गई थी, तो बहुत अजीब फील हुआ यार, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, इतना हम लोग गिर गए हैं, मतलब हम लोगों ने वो लोग इतना गिर गए हैं कि किसी की भी कदर नहीं करते, उन लोगों को यही नहीं पता हम गाली दे रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है YT पे, लोग भी क्या सोचेंगे उनके बारे में, आईडी तो आप चाहे बेसक बना लो लेकिन आप तो लोगों की नज़रों में गिरे ना, तो उस चीज़ को वो क्यों करो ऐसा काम। तो मुझे बहुत अजीब लगा यार ये कमेंट देख के कि मैंने कुछ भी समझ नहीं पाई, बल्कि मैं भी उन्हें कमेंट करती लेकिन मैंने आज तक कभी भी गलत कमेंट नहीं करा क्योंकि इतने अच्छे वीडियो बनाती हैं वही, हमारा तो मन लगता है उनसे और डेली बेस पे हम लोग देखते भी हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनकी डेली बेस पे मैं वीडियो देखती हूँ और मुझे डेली बेस पे उनकी वीडियो वॉच करना बहुत जरूरी होता है, जब ना करूँ तो मुझे भी लगता है यार मैंने क्या नहीं करा। अभी आप सबको पता होगा कि मेघा जी संग क्या हुआ है, उनकी वीडियो भी नहीं आ रही, तो रेगुलर तो हम ओल्ड वीडियो में देख लेती हूँ, कमेंट जरूर नहीं है, लेकिन ओल्ड वीडियो पहले से जो कहीं नहीं देखी मैं वो वॉच कर रही हूँ, तो मतलब और बात करने का। और मैंने इसलिए बस यही चीज़ कही थी यार इन बड़े यूट्यूबर को भी नहीं छोड़ा, मुझे तो लगता था बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनको कभी भी गलत कमेंट नहीं आते होंगे, और फिर मैंने आज तक ना उनके में नेगेटिव कमेंट कभी भी देखा ही नहीं है, मैं देहरादून जो रश्मि शर्मा देहरादून ब्लॉगर हैं उनका कभी भी नेगेटिव कमेंट आज तक नहीं देखा। और कल जब 2-3 बार अभी मैं कुछ टाइम देख रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार, और फिर आज उन्होंने अपने कमेंट वीडियो में बोला भी तो मुझे बहुत अजीब लगा यार, ऐसे कमेंट क्यों करो, कोई भी सबको बोल रही हूँ अच्छे कमेंट करिए, अगर आपको नहीं करना नहीं वीडियो पसंद है डिसलाइक देके चली जाइए, बस डिसलाइक से हमें कुछ नहीं होता, लेकिन बेसिकली किसी को इतना डीमोटिवेट मत करिए कि एक आप तो गलत बोल के चले गए, बस आपकी बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस बारे में। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को रोज़ फुल वॉच करिए तो मुझे सपोर्ट होगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए थैंक फॉर वॉचिंग।